एक बहुत ही सत्कार योग शख्सियत, हर वर्ग लई सच्ची हमदर्दी रखण वाले अते हर वेले परमात्मा दी रजा विच रहण वाले इंसान भगत ईश्वरदास बिरदी जी हुणा ने अपना सारा जीवन सच्चाई दे रस्ते ते चलदिया बिताया। आप जी बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी अते सहनशील इंसान सन, परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखी दी मदद करना आप जी दा सुभा सी। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार आज्ञाकारी है अते परमात्मा दे पाणे विच रहण वाला परिवार है। भगत ईश्वरदास बिरदी हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों मिलन पैलेस सर्कुलर रोड नेड़े बस स्टैंड नाभा विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों भगत ईश्वरदास बिरदी हुणा दे कीते कम्मां नूं याद करदे होए उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल पेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। परमात्मा नहीं है तो धरती नीचे पानी है, आप एक गिलास को पानी के ऊपर टिका करके तो दिखा दो। उस परमात्मा ने तो इस संसार की सृष्टि के अंदर धरती को टिका रखा है जिसके ऊपर आप भ्रमण कर रहे हो। लोग कहते हैं ऊपर किसने देखा है, जब बरसात आती है तो क्या आपकी छत से आती है क्या, वो कहां से आती है, चांद तारे कांपते हैं, जीव जंतु सांप आते हैं, मेंढक आते हैं, मछली आती, कितने जानवर ऊपर से गिरते हैं, गड़े पड़ते हैं, तो कई बाहर वाला विदेश वाला फेंकता है क्या ऊपर से आते हैं। भगवान है और उसी ने आपको ये पैदा करके इस प्रकार का प्रारूप दे रखा है, फिर भी हम भगवान को न माने तो बड़े दुख की बात है। सुख दुख शरीर के साथ ही होते हैं, अगर शरीर नहीं है तो दुख काल का, शरीर है तो दुख भी मिलेगा, पर दुख का सामना करो, सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा। जैसे पाप हंस करके किए हैं तो पापों का प्रायश्चित भी तो हंस के करना चाहिए, जब ले रहे हैं आराम से ले रहे हैं, चाहे पाप से आ रहा है चाहे दुख से आ रहा है, किसी का गला काट करके ला रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं, जब हमारा स्वयं का गला कट गया फिर क्यों दुखी होते हैं, जब हमने किसी का काटा था तो फिर परवाह क्यों नहीं। ये है सुख दुख से दूर होना, द्वंद से दूर होना, ये द्वेष से दूर होना, ये प्रभु इसीलिए तो कहते हैं तुम संसार में आए हो
और संसार में आकर के यश प्राप्ति करो, तुम इस संसार से कुछ लेना देने की इच्छा मत रखो। लेकिन हम है कि संसार को पहचानते ही नहीं है, हमें असली चीज की पहचान ही नहीं है। हम आए किस लिए हैं, हमारा काम क्या है, हम करने क्या लिए क्या है, हमारे को ड्यूटी दे दी, पता लग गया मेरी फलाने रूम में कुर्सी है, मैंने बैठ जाना बस वहां, मैंने ये काम मेरा अपने आप ही हो जाना है। ऐसे नहीं होगा। यही से अंदाजा लगा लो स्वर्ग और नरक का। जितने भाई सज्जन यहाँ बैठे हैं, नाभे से पटियाला जिस आदमी ने जाना है, अगर ये मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक की बता रहा हूं मैं आपको, ये काम साधारण आदमी से आप छूट के नहीं जा सकते, तो प्रभु के दूतों से कैसे छूटोगे। किसी के पास वीआईपी गाड़ी है, कोई बिना टूल टैक्स दे के जाके तो दिखा दे। इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जा सकता है, उनके पास ये पावर होगी। लेकिन आम आदमी क्या टूल टैक्स दिए बगैर गाड़ी पार कर जाएगा, किसी में इतनी पावर है? एक आदमी में इतनी पावर नहीं है जो टूल टैक्स दिए बगैर पटियाला सीधा निकल जाए। अगर वो सीधा नहीं निकलेगा, 50 रुपए बचाने की चेष्टा करेगा, कहीं गांव से जाएगा, आजकल जीरी का सीजन है, किसी ने वहां जीरी की ट्राली भर के खड़ी कर दी तो सारा दिन निकल जाएगा, गड़ जाएगा आपका। 50 रुपए बचाने के चक्कर में आपने हीरे जैसा जन्म खो दिया, सारा दिन खो दिया आपने। महीने जहां आपको 5 मिनट में रास्ता पार करना था, वहां आपको एक दिन 24 घंटे लग गए, 15 घंटे लग गए। अंदाजा लगाओ, क्या समझोगे इसको, इसको क्या समझोगे आप? जब एक साधारण रास्ते को आप पार नहीं कर सकते बगैर कुछ दिए, तो प्रभु के मार्ग पर जाने के लिए तो भक्ति रूपी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर भजन नहीं करोगे तो वहां जाने नहीं देगा कोई भी, उठापटकी चली रहेगी। जैसे ये लोग मजदूर लोग बोरी को उठाते हैं, ट्रक में फेंक देते हैं, ट्रक वाले ऊपर से उठाते हैं, नीचे फेंक देते हैं, हमारा हाल भी ऐसा ही होगा, उन बोरियों की तरह फेंक के जाएंगे, फिर कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं। फिर वहां क्या कहेंगे, बेटा मुझे बचा लो। न कोई बेटा होगा, न पत्नी होगी, न पुत्र होगा, न भाई होगा, न बंधु होगा, यहाँ तो सब है, लेकिन वहां कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। वहां लड़ेगा ये मेरा, ये फलाना, फिर वहां कितना भी कुछ करते यम के दूत फिर उधार नहीं रखेंगे, तुरंत उसको झटका दे दे करके मारते। तो उसको सूक्ष्म रूप लिंग शरीर मिला, उस शरीर का उसने उपयोग अच्छा नहीं किया, तो इससे दुर्भाग्य बड़ा क्या होगा उसके लिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे को प्रभु के चरणों में इतना बड़ा सुंदर चोला मारो का दिया, और इससे तुमने शुभ कर्म का लाभ नहीं उठाया, तो बाद में कोई मौका नहीं देता। जिन्ना भी मैं हमेशा उस महापुरुषों के नाम तुलना करता रहना, बाबू ईश्वर दास जी बिरदी साहब और श्री मान श्री पांडा जी गरड़ प्राण जी दे आपा जड़े वड़े जड़ा कट है, और सारे ही बाबू जी को श्रद्धा के फुल भेट करना है। मेरे तो पहला साढ़े बहुत ही सत्कारयोग स्टेट सकत्र साहब पीए साहब ने इस परिवार बारे वक् वक् चानना पाया, बाबू जी बारे इन्नी उम्र के सोचा जा सकता कि भी सानू अंतम विछोड़ा दे जाएंगे, और जदों मेरे सतगुर का मेरे नानक का मेरे भगवान का हुक्म आता, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सतसंग जी ये लिखा हुआ, और जो उस दिन पता लग्या और गड्डी देखी कुदरती, यह लगता सी ये पता ही नहीं सी भी ये साडा अपना परिवार दे नाल हो गया। सतसंग जी दस्या है द्विवेदी साहब के पंज बेटे जिन्हों का पालन पोषण भी किया है, संगता की भी सेवा की है, टाइम चो टाइम कढ़ के महामाई के चरणों च भी बैठते रहे ने, आंढ गुआंढ लई भी सीस मंगते रहे ने, जे कोई आ गया उन्हू हथ इउं भी करते रहे, दया भी करते सी। सो सतसंग जी फिर मैं समझा ऐसे इंसान कलयुग दे विच भी सतयुग की जिंदगी जी के जाते हैं। जेड़े लोग पुत्र होण, जायदाद होवे, राज भाग होवे, कोई भी चीज होवे, मालिक दा समझदे ने, फिर उस गुरु नानक महाराज जी दे
उन्हां शब्दां ते चलण दी कोशिश करदे ने। किरत करना, वंड छकना, नाम जपना, निआसरिया दा आसरा बनना, सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिवरन, ए पी दात तेरी दतार, तेरा दिता खावना, तू दाता।